लगाई गई थी, इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम व युसब्बित अक़दामकुम। अल्लाह ने यह शर्त इज्तिमाई तौर पर लगाई है कि अगर तुम तमाम मुसलमान इज्तिमाई तौर पर अल्लाह के दीन की के मददगार हो तो अल्लाह रब्बुल इज्जत तुम्हारी मदद करेंगे बातिल के खिलाफ और तुम्हारे कदमों को दीन पर जमाएंगे। मां इलिया साहब फरमाते थे, अपनी जात से पूरे दिन पर चलने वाला दीनदार है मगर दीन का मददगार नहीं है। मेरी बात तवज्जो सुननी होगी, ये मलफूज छपा हुआ है हजरत का। मुसलमान के लिए अपने दीन पर चलने में गैबी मददें और नुसरतें जितनी दौरे सहाबा में बातिल के खिलाफ नाजिल हुई, मुसलमान उन नुसरतों से महरूम है। वजह सिर्फ यह है कि मुसलमान ने दावत इल्लाह को छोड़ दिया, वरना अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हर जमाने में बड़ी बड़ी ताकतों को और बड़ी बड़ी बादशाहतों को ऐसा जेर किया था। अल्लाहु अकबर, एक एक सहाबी दुनिया की बड़ी बड़ी बादशाहतों का तन्हा मुकाबला करते थे। मैंने खूब गौर कर लिया, मुझे तो दौरे सहाबा में दावत इल्लाह के सिवा और कोई वजह सहाबा के अपने दीन पर जमने की नजर नहीं आई। चाहे इस जमाने के लोगों को ये बात समझ आवे या ना आवे, मुझे तो दौरे सहाबा में दावत इल्लाह के सिवा और कोई वजह सहाबा के अपने दीन पर जमने की नजर नहीं आई। चाहे इस जमाने के लोगों को ये बात समझ आवे या ना आवे।